हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ मैं आधा आधा कप करके दो बार डाल रही हूँ मैं चीनी, तो टोटली एक कप है। और ऐसे ही मैंने दो बार इसमें पानी डाला है, तो ये भी टोटल एक कप है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चाशनी। तो मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया है और इसको मैं थोड़ा सा चला दूँगी चीनी को इसके साथ ही। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाशनी। तो क्योंकि मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ तो उसके लिए मैं चाशनी बना रही हूँ। तो चाशनी कोई हमने तार वगैरह वाली नहीं बनानी है, ये केवल चिपचिपी होनी चाहिए। तो यहाँ मैं चेक कर रही हूँ, तो बस हाथ में लगनी चाहिए चिपचिपी सी। तो चाशनी मैंने बंद कर दी है, तैयार हो गई चाशनी। यहाँ मैंने कुछ ब्रेड स्लाइस ली हैं, तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। तो इसके मैं किनारे के जो ब्राउन वाला पार्ट है ना, इसको निकाल दूँगी। तो चारों तरफ से इसका ब्राउन वाला एरिया मैं निकाल दूँगी। तो इसको निकालने के बाद आपने इसको फेंकना नहीं है, इसको इससे भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो इस ब्रेड के चारों तरफ से मैं ये पलाई वाला पार्ट हटा दूँगी। ऐसे ही मैं सारे ब्रेड स्लाइसों को इसी टाइप से साफ़ करके रख देती हूँ। तो इस टाइप से निकालना है चारों कोने इसके, एकदम से साफ़ हो जाने चाहिए क्योंकि हमको ये वाला एरिया नहीं चाहिए होता। तो ऐसे ही मैं फटाफट से और ब्रेडों को भी कर देती हूँ। तो इस टाइप से मैंने कर दी है फटाफट से, ये सारी स्लाइसें हो गई हैं तैयार। अब एक बोल लेंगे, इसमें इसको ना हाथ से तोड़ना है। आप चाहो तो मिक्सर जार में भी इसको डाल सकते हो, लेकिन हाथ से तोड़ने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इसको ऐसे ही मोटा मोटा सा तोड़ना है, बहुत ज़्यादा बारीक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसको फटाफट से ऐसे तोड़ने के बाद आप चाहो तो दूध या पानी, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ मैं पानी डाल रही हूँ, 4 से 5 चम्मच पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। तो इसको 1 या 2 मिनट के लिए हम साइड रख देंगे। और अब मैं इसको हाथ से जैसे आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल उस स्टेप से ही इसको करना है कि जो हमने पानी डाल रखा है बस पहले उसी से हमने इसको गूंथना है। क्योंकि अगर हम और पानी डाल देंगे तो ब्रेड का हमको पता नहीं कि इसने कितना पानी और एब्जॉर्ब करना है। तो पहले इसी में पूरा इसको मिक्स कर देते हैं, उसके बाद जैसे ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम पानी डालेंगे, या आप दूध डालना चाहो तो दूध भी डाल सकते हो। तो बिल्कुल आटे की तरह हमने इसको गूंथना है, जैसा आटा हम गूंथते हैं थोड़ा टाइट टाइट सा, बस उस टाइप से हमने इसकी इसका वो लगाना है, आटा लगाना है। तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, जिस हिसाब से मुझे चाहिए उस हिसाब से मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको, अब बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, बिल्कुल ठीक ठीक इसका आटा लगाना। तो इसको अच्छे से हम मसल देंगे, क्योंकि जो ब्रेड के बीच बीच में थोड़ी सी गोली गोली से बन गई ना, तो इसको ऐसे करके हाथ से आप मतलब रगड़ रगड़ के दबा दबा के इसको तोड़ देना अच्छे से। तो इस स्टेप से हम आटा लगा देंगे। तो पानी जिस हिसाब से आपको चाहिए होगा तो उस हिसाब से आप इसमें डालना, लेकिन बहुत ज़्यादा गीला इसको मत करना। तो इससे बनेंगे गुलाब जामुन, एकदम इंस्टेंट गुलाब जामुन इससे बनेंगे। क्योंकि हमारे पास कई बार होता है कि गुलाब जामुन का मिक्सर नहीं रहता है, तो मन करे खाने के लिए तो कोई बात नहीं, ब्रेड है तो फटाफट से बन जाता है, आटे से भी बनता है। तो इस स्टेप से बना सकते हो आप फटाफट से। तो ये अच्छा से दबा दबा करके मसल मसल के इसका मैंने आटा लगा दिया है। तो ये हो गया है तैयार एकदम, इससे ज़्यादा हमने गीला इसको नहीं करना है और इसको रेस्ट पे भी नहीं रखना है। बस फटाफट से इसमें कुछ भी चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ भी इसमें नहीं लगाना है। तो डो एकदम तैयार हो गया है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, तेल मैंने थोड़ा कम ही ले रखा है, जैसे मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ मैं ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करती हूँ। तो जिस हिसाब से मुझे चाहिए होता मैं उस हिसाब से ही लेती हूँ। तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, उसको मैंने गर्म करने के लिए रख रखा है, तेल को बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है। तो यहाँ लोइयाँ ले लेंगे, आपको जिस हिसाब से जितनी बड़ी जितने बड़े मतलब गुलाब जामुन चाहिए आप उस हिसाब से इसकी लोइयाँ निकाल सकते हो। तो थोड़ा बहुत तो ये फूल जाते हैं क्योंकि, तो जिस हिसाब से छोटे चाहिए बड़े चाहिए वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ मैंने बना दिए हैं फटाफट से, ये 15 से 16 करीब ये गोलियाँ बनी हैं। तो यहाँ मेरा कैमरा बीच में बंद हो गया था, मुझे पता नहीं चला, हर बारी मेरे उसमें ऐसे ही होता है। और मैंने ये डाल दिए थे उसमें तेल में, तो तेल आप देख रहे होंगे किस टाइप से गर्म है, केवल इसकी जो है ना तेल के बुलबुले जो हैं वही निकल रहे हैं केवल, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना हमने तेल को। अभी मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पे करके रखा हुआ है और इससे छेड़ना नहीं है एकदम डालते ही, क्योंकि अगर आप एकदम से इस पर करछी मारोगे ना तो ये फट जाएंगे। बस आपने केवल साइड से थोड़ा थोड़ा तेल हिलाना है, या मैं करछी से कर रही हूँ, आप चाहो चम्मच से भी कर सकते हो क्योंकि करछी बहुत बड़ी हो जाती है। मेरा तेल भी कम है क्योंकि उस हिसाब से इसमें डाला हुआ।
तो इसको ऐसे ही चारों तरफ से आपने ऐसे हिलाना है ताकि जो गुलाब जामुन है वो नीचे से अगर पक गए होंगे तो वो हिलने लग जाएंगे। उस हिसाब से आपने बस इसमें धीरे धीरे करके आपने करछी मारनी है, क्योंकि जल्दीबाजी में नहीं करना है, नहीं तो गुलाब जामुन फट करके ये फूट जाएंगे, फट जाएंगे, एकदम से टूट जाएंगे, फिर बनेंगे नहीं अच्छे से। 5 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पे पकाना है। अब 5 मिनट के बाद करेंगे हम इस गैस को फुल, क्योंकि जब चारों तरफ से इसमें गोल्डन कलर हल्का सा आ जाएगा ना, उसके बाद हम इसको फुल करेंगे। अगर हम इसको एकदम से फुल फ्लेम पे पकाएंगे तो आगे से ये मतलब सॉरी ऊपर से तो ये पक जाएगा, एकदम से कलर इसमें डार्क कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से एकदम कच्चे रहेंगे। तो इसलिए पहले ऐसी चीज़ों को जो भी बनाने होते हैं तो इनको पहले लो फ्लेम पर पकाया जाता है ताकि अंदर से एकदम से पक जाए। फिर आप बाहर के कलर को थोड़ा सा डार्क करने के लिए, चेंज करने के लिए आप थोड़ा सा लास्ट के टाइम पर गैस की फ्लेम को तेज कर सकते हो ताकि बाहर से भी एक अच्छा सा कलर इसमें दिखे। तो इसका एकदम गोल्डन कलर एकदम आ गया है, मतलब थोड़ा सा डार्क कलर इसमें हो गया। तो मैंने गैस की फ्लेम को तेज कर रखा है अभी 5 मिनट के बाद ही, लेकिन मैंने तेज करा है ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाए। अब आपको जितना अच्छा गोल्डन कलर इसमें चाहिए ना, कई बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी इसका कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा डार्क तो नहीं करना है, लेकिन जितना होता है मीडियम उस हिसाब से आप कलर इसमें कर सकते हो। तो बस इसको हमने तेज़ फ्लेम पे ही जितना कलर आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसको कलर इसको दे करके उसके बाद आप इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ इसमें अच्छा सा कलर आ गया है, तो चलिए मैं इसको निकाल रही हूँ एक प्लेट पे। तो इसको एक प्लेट पे निकाल देते हैं फटाफट से। तो बहुत जल्दी ये गुलाब जामुन बन जाते हैं। तो यहाँ मैंने चाशनी जो बना रखी थी, चाशनी अभी गर्म है, ठंडी नहीं होने देनी चाशनी को, चाशनी गर्म है, तो गर्म चाशनी में मैंने इसको फटाफट से डाल दिया। थोड़ी सी करछी इसमें मार देंगे ताकि ये थोड़ा सा अंदर से डूब जाए। तो अब मैं इसको ढक के रख दूँगी कम से कम 2 घंटे के लिए। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई हो तो आप इस टाइम पे इसको गैस में चढ़ा सकते हो, थोड़ी सी चाशनी गर्म होने लायक तक, बस ये नहीं कि उबाल दिया है, केवल गर्म होने लायक तक। उसके बाद आप इसमें ढक्कन मार के 2 घंटे के लिए एक साइड में इसको रख देना, क्योंकि गुलाब ये जो ब्रेड के गुलाब जामुन हैं ये थोड़ा सा रस एब्जॉर्ब कर देंगे, उसके बाद ही हो जाएंगे सॉफ्ट। तो ये मैं हाथ से आपको दिखा रही हूँ, दबा के एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो 2 घंटे के बाद मैंने इसको खोला है, तो बन गए हैं फटाफट से गुलाब जामुन। कैसे लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस रक्षाबंधन पर आप ये वाले गुलाब जामुन ट्राई कर सकते हो।